हेलो गाइस, एस स्क्वायर ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो थंबनेल से आपको पता चल ही होगा कि किस तरह का ब्लॉग होने वाला है। आज मैं ब्लॉग लाया हूं खेती किसानी से लेकर, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि इस बार हमारी फसल कैसी हुई है। और गाइस क्या बताऊँ मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है हमारी इस बार फसल की, क्योंकि जो है बारिश सही टाइम पर नहीं हुआ और इस बार काफ़ी हमारे इस साइड काफ़ी कम बारिश हुई है। आप लोग खुद देख सकते हो कि फसलों की हालत क्या है। और हम लोग जो है किसान हैं, और मैं किसान का बेटा हूँ, और हम लोग टोटली जो है फसल पर डिपेंड होते हैं। और आप लोग समझ सकते हो कि इस बार हमारी क्या है सिचुएशन, क्या है कंडीशन, क्या है मतलब कैसा चल रहा होगा हमारे दिमाग में, क्या इस तरह का फसल देख कर। और जो है ये जो है इस बार जो है फसल बहुत ही ज़्यादा कंडीशन फसलों की बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं ये कोरोना की वजह से घर पर हूँ और कोई जॉब वॉब नहीं है मेरे पास, और हम लोग टोटली जो है खेती किसानी पर डिपेंड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मानसिक प्रभाव भी है हम पर। और कोई नहीं, अब पैदा हुए हैं तो जी ही लेते हैं। इस बार फसल कम होने का सबसे मेन कारण है बारिश ना होना। जी गाइस, बारिश नहीं हुई क्योंकि बारिश और बारिश ना होना का सबसे मेन कारण है पेड़ों का कटना। तो गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो चार पेड़ लगाओ। और जो है पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बारिश करवाने के लिए। और मतलब बारिश नहीं होगी तो फसलों की ही सिचुएशन होगी। और हम जो इंडियन है, हमारे इंडिया के मिनिमम 90% या 99% बोल सकते हैं जो किसानों की वजह से और फसलों की वजह से चलते हैं। हमारा मेन जो है इनकम का सोर्स ही है किसान, खेती किसानी। तो गाइस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको फसल चाहिए, अच्छी से अच्छी फसल चाहिए, तो बारिश चाहिए। और बारिश अगर चाहिए तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि पेड़ लगाओ और फसल बचाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और ये जो हमारे प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं इनका बचाए रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज़्यादा सही टाइम पर बारिश होगी, और सही टाइम पर बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और गाइस आप लोगों के कमेंट और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियोज़, न्यू ब्लॉग बनाने में। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहो, हेल्दी रहो।